हे गाइस इट्स मी लीवाई और मैं आपका स्वागत करता हूँ प्ले सुपर के वीडियो नंबर 110 में। आज की वीडियो कुछ ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम वन पीस या किसी और अदर एनिमे के बारे में बात नहीं करने वाले, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अटैक ऑन टाइटन मानवा स्पेशली चैप्टर नंबर 137 के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हुई है जो आपको जानकर बहुत ज्यादा शौक होगा और आपको मजे भी आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। चैप्टर की स्टार्टिंग में जीक बताता है, बहुत सालों पहले इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे, उनमें से कुछ मर गए और उनमें से कुछ रह गए। जीक आर्मिन से बोलता है, इस जिंदगी का मतलब है मल्टीप्लाई होते रहना, यानी कि दुगना होते रहना, क्योंकि जिंदगी अलग तरह के एनवायरनमेंट को अपनाने के लिए इवॉल्व होते गई और जो हम टाइटन्स हैं वो इसी तरह ही बढ़ते गए और हम ठीक टाइटन बनने के 13 साल बाद मर जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक सजा है जो हमें मिली है। और उस बच्चे ने अपनी नॉर्मल लाइफ के दर्द से बचने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी थी, और उस बच्चे ने दर्द से बचने के लिए एक ऐसे शरीर को जन्म दिया जो बहुत बड़ा हो और ताकतवर भी हो। आर्मिन जीक से पूछता है कि यमीर का एग्जैक्टली गोल क्या है। जीक बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ और मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सालों में वो किंग फिट्स के खिलाफ क्यों नहीं गई, और 2000 सालों से उसने किंग फिट्स की बात ही क्यों मानी, उसके पीछे क्या रीज़न था वो मेरे को भी नहीं पता। हाँ, वो ऐसी दुनिया से अटैच थी जिस दुनिया ने उसे छोड़ दिया था। मैं इतने टाइम से उसे समझ नहीं पाया, पर एरन उसको समझ गया था, इसलिए वो एरन के साथ चली गई। आर्मिन इस जगह से बाहर जाने के लिए जीक से पूछता है और बताता है कि मेरे फ्रेंड्स बाहर लड़ रहे हैं लोगों को इस भूचाल से बचाने के लिए, हम जो बस कर रहे हैं वो है डर से लड़ना और कुछ नहीं। जीक बोलता है कि इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर रहने में क्या बुराई है, तुम यहाँ पर रह क्यों नहीं सकते। आर्मिन उस सैंड कैसल में से एक लीफ उठाता है और बताता है कि लाइफ में जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो प्रीशियस होते हैं। जैसे जीक उस लीफ को देखता है, वो लीफ उसको एक बॉल के रूप में नज़र आती है और उसको पुराना समय याद आ जाता है अपना। वो मिस्टर जेवो के साथ कैच कैच खेलता था और उसे सारी बातें याद रहती थी जब वो खेलता था उनके साथ, तो उसे बहुत मजे आते थे। ठीक उसी समय बहुत सारे टाइटन शिफ्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि उसके डैड गीसा येगर, मार्सेल, ओरको, ये सब वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं। और आर्मिन के पीछे दिखाया जाता है अपन को बेर्थोल्ड। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, पी घायल होती है और जीन उसको बचा लेता है, और रायनर कुछ ज़्यादा ही दर्द में होता है क्योंकि उसे टाइटन खूब मार रहे हैं। जैसे ही बहुत सारे टाइटन एनी को मारने के लिए आ जाते हैं, बट बेर्थोल्ड आके उसे बचा लेता है। और हम देख रहे होते हैं वहाँ पोर्को मार्सेल दोनों टाइटन शिफ्टर्स वहाँ आ जाते हैं एरन को रोकने के लिए। जिस बीस टाइटन के मुंह में आर्मिन रहता है उसको मिकासा हिट करती है ब्लेड से, और ब्लेड की मदद से वो आर्मिन को निकालने में कामयाब हो जाती है, और आर्मिन ठीक गिर के फीमेल टाइटन के हाथों में आ जाता है, यानी एनी के हाथों में आ जाता है। फिर अपन को और फाइट दिखाई जाती है। फिर एक सीन में जीक येगर लीवाई को अपने पास बुलाता है, फिर आर्मिन सबको बताता है ये मिस्टर जीक की हेल्प से ही हो पाया है, नहीं तो हम ये सब नहीं कर पाते। और वो ये भी बताता है कि जहाँ पे हम थे वहाँ लाइफ और डेथ का कुछ मतलब ही नहीं रहता है, वहाँ पे हर एलियन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। बाद में सब एलियन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, शायद यमीर यही चाहती है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, और वो कौन सबसे कनेक्टेड रहे, शायद वो अपन से कुछ और भी चाहती हो। फिर जीक और आर्मिन उन सभी टाइटन शिफ्टर से उनकी पावर मांगते हैं जो उस फाइट में थे। फिर जीक की आंखों में हम डर देखते हैं, और जीक ये कहता है कि आज कितना सुहाना मौसम है और कितना अच्छा दिन है, काश मैं ये दिन पहले रियलाइज़ कर पाता और उसे देख पाता। फिर तभी लीवाई आके उसको मार देता है और सबका बदला पूरा हो जाता है। इस सीन को देखने के बाद मेरे को बहुत मज़ा आया, क्योंकि भाई लीवाई का अपना भाई है, और दूसरी बात इस सीन को देखने के बाद मेरे को थोड़ा सैड भी फील हुआ, क्योंकि कोई भी हो भाई, कोई मरता है तो मतलब दुख सा ही होता है, और अटैक ऑन टाइटन में जो भी मरता है वो ऐसी मौत मरता है जिससे आपको दुख पहुँचेगा जरूरी। फिर जीन जल्दी से जाकर एरन के नेक के पास चला जाता है और बॉम्ब का बटन दबा देता है जो पीक ने फिट करा था। जैसे जीन बटन प्रेस करता है, एरन के टाइटन का सर उसके नेक से अलग हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तभी रायनन वहाँ आकर उसका नेक पकड़ लेता है जिससे वो कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर आर्मिन सभी टाइटन शिफ्टर्स को थैंक्स बोलता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज ये रंबलिंग ग्रुप पाई है, तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। और फिर उसी वक्त वहाँ पे धमाका हो जाता है, और उसके बाद आर्मिन और मिकासा बोलते हैं सायोनारा एरन, यानी कि गुड बाय एरन,
ऑफ इस गोर मापेट चैप्टर 137 का दी एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 137 एक ऐसा चैप्टर बन चुका है जो मतलब कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा या दे पाएगा, इसे अपन कह नहीं सकते। हाजिमी से हमने इसके अंदर बहुत सारे इमोशन डाल दिए थे, तो अपन खुद को नहीं समझ आ रहा था अपन रोए या हंसे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिलहाल के लिए एरन का मरना, शायद नहीं मरना, मेरे को खुद को भी नहीं पता। बट लेकिन एक बात जरूर है, आर्मिन जब बताता है कि हम पहले खेलते थे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ जोड़ी है आज में श्यामा ने, बहुत अच्छी लाइन है। और दूसरी बात, जीक जब रियलाइज़ करता है कि आज बहुत अच्छा दिन है, काश मैं इसे पहले रियलाइज़ कर पाता, तो भाई मतलब कुछ आज में श्यामा खेल रहे हैं एवटी मांगल के रीडर्स के साथ। तो भाई पहली बात, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा हार्ट टचिंग था। अगर किसी को भी दिल से परेशानी हो तो भाई प्लीज़ मत पढ़ना इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ ज़्यादा दिल दहलाने वाली बातें हुई है और मेरे को मज़े आए। और दूसरी बात भाई, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी थी, जैसे कि अपने मिकासा, बेरथोल्ड वगैरह, और पी को जैसे जीन ने बचाया वैसा कुछ धमाका हुआ है। तो भाई ऐसी चीज़ें जो आजिमे श्यामा ने इस्तेमाल करी है ना इस मांगा के अंदर, तो भाई इस चैप्टर के अंदर मतलब कतई दिल जीत लिया। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि मतलब जैसे जीन बम ब्लास्ट करता है, मतलब बम का बटन दबा देता है वहाँ पे, तो बम जैसे फटता है, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार जीन क्यों करा, मतलब ऐसा ही कुछ सीन लग रहा था। बट लेकिन क्या करें, हर किसी को जाना रहता है और जाने के बाद उसे वापस जाना रहता है, ऐसा हमने सुना है। बट लेकिन ऐसी बात नहीं होगी, एरन मर गया है, जीक मर गया है, बट अगर चैप्टर 138 में अगर अपन को जीक और एरन मिले तो समझ जाना भाई कुछ और भूचाल होने वाला है। दो चैप्टर बचे हैं, आगे क्या होता है अपन को खुद को नहीं पता। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो गाइस, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाइए, और मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सायोनारा।